बदलाव चाहते हैं तो बदलाव कीजिए, नाहक न यहाँ मुल्क की कमियां गिनाइए। बदलाव की चाहत अगर है तो बदलाव के लिए पहल करनी होगी। ऐसी ही एक पहल की है पटना पालीगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार पांडे जी ने। यह ऑफिसर अपनी नौकरी के साथ साथ समय निकालकर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते हैं। केवल 4 बच्चों से उन्होंने शुरुआत की और आज लगभग 120 बच्चे उनके पास पढ़ने आ रहे हैं। उनसे मिलवा रहे हैं रेडियो पिटारा के छोटका पत्रकार हनुमतेश्वर दयाल। मेरे आसपास जहाँ मेरा आवास है पालीगंज में नरारा के पास, मेरे आसपास कई ऐसे गरीब बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके गार्जियन इतने जागरूक या इतने समर्थ नहीं है कि वो अपने बच्चों को ठीक ठाक से पढ़ा सके। तो मैंने प्रयास, एक छोटा सा प्रयास मैंने शुरू किया था कि जब जो भी मेरे बच्चे आसपास के हैं उनको अपने मैं जवानों के सहयोग से, जो जवान मेरे पास अवेलेबल हैं उन जवानों के सहयोग से एक टीम बनाकर हम इन बच्चों को मूलभूत शिक्षा दे सकें। इसी के तहत हम सभी ने मिल करके एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है। शुरुआत की थी तकरीबन 4 महीने पहले, तो उस समय हमारे पास मात्र 4 बच्चे थे, आज हमारे पास 120 के आसपास बच्चे हो गए हैं टोटल। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छी जागरूकता लोगों में आ रही है और पुलिस के इस काम को लोग अच्छी निगाह से देख भी रहे हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से? मैं झारखंड के गाँव से हूँ, झारखंड के दूरस्थ गाँव से हूँ। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि पढ़ाई के अभाव में मूलभूत सुविधाओं से बच्चे दूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को, इस कमी को मैंने बचपन से महसूस किया है और मैं जहाँ पे जाता हूँ प्रयास करता हूँ कि जहाँ तक संभव हो एक टीम बनाकर बच्चों को पढ़ा सकूँ, कुछ बेहतर काम कर सकें जिससे अपनी सृजनात्मकता के अलावा समाज के लिए भी मेरी उपाधिता सिद्ध हो। मैंने व्यवस्था की है इन बच्चों को हम ही अपनी तरफ से कॉपी, किताब, पेंसिल, कटर, रबड़, जो भी इनको चाहिए, किताबें जो भी इनको चाहिए होता है, और हम ही लोग एक टीम बनाकर इन सारी सुविधाओं को इनको प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ जागरूक लोगों ने, समाज के जागरूक लोगों ने इसमें हमें सहायता भी की है। SDPO मनोज कुमार पांडे जी की मेहनत रंग ला रही है। गांव के ये बच्चे पढ़ाई में पूरी रुचि लेते हैं और हिंदी और गणित के साथ साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान ले रहे हैं। कितने दिनों से यहाँ पढ़ रही है? क्या पढ़ाई तुमको लगातार मिलती है? यस सर। तुम बताओ कि हम लोग आम खाते हैं, हम लोग आम नहीं खाते हैं, नेगेटिव में ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत जल्दी बता दिया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने या आपके आसपास किसी ने बदलाव के लिए कोई नई पहल की हो तो हमें जरूर बताइए। सुनते रहिए रेडियो पिटारा 1812013। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।